महंत राम लखन दास जी महाराज उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंसी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से, जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को, जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुछ प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरखपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा,
अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास, सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा कुछ संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मता आड़े आने लग गई तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी कि न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का दरबार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का दरबार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए स्मरणीय बन गई बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके प्रोढ़ा में पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को, श्री महंत उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज को हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूं और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं देख रहा था यहां पर जैसे ही मैं समाधि स्थली पर पुष्पांजलि करने के लिए गया तो समाधि स्थली में जाने के पहले ही इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर के अपनी बारिश से, ऐसे लगता था जैसे वे भी प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। संतों की पहचान यही है, उन्होंने एहसास करा दिया। आज परमहंस जी को लग रहा होगा देखो मेरा संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों को की आत्मा को कितनी असीम शांति प्राप्त हुई जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या धाम में फिर से हमारे रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों की आत्मा को सीम शांति प्राप्त हुई होगी, उन्हें भी अपनी वर्तमान पीढ़ी पर विश्वास हुआ होगा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में कार्य कर रही है। उनका आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ और आज जब परमहंस जी की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं देख रहा था जब तक मैं समाधि स्थली पे जब गया
बारिश शुरू हुई, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई। फिर जब मैंने वहां से प्रस्थान किया दिगंबर अखाड़ा के लिए, फिर यही स्थिति हमें देखने को मिली। यानी हम मान सकते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति में पूज्य संत के का योगदान और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, ये शाश्वत है, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई भगा नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता है। यह भी सत्य है और आज वह दिव्य आत्मा अपनी मूर्ति को दिगंबर अखाड़ा में स्थापित होकर के इस वर्ष उन दो महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बन रही है। एक जो संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान फिर से करेंगे, वह संकल्प भी पूरा होता है और परमहंसी फिर से अपने दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह एक अंतःकरण की संतुष्टि का माध्यम बनता है। क्योंकि मेरे लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरु के पुण्य थे, और जब भी मैं अयोध्या की तरफ आता था, लखनऊ की तरफ जाता था, तो मेरे गुरु जी मुझसे इस बात को जरूर कहते थे, अगर मैं कभी गोरखपुर से लखनऊ जा रहा हूं या प्रयागराज जा रहा हूं और मैं दिगंबर अखाड़ा में नहीं रुका, तो मुझसे पूछते थे कि भाई क्या अयोध्या में परमहंस जी का हालचाल लिया। मैं कहता था मैं भूल गया या मुझे जल्दी थी, तो कहते थे क्या इससे भी ज्यादा जल्दी है, अरे वो मेरे लिए गुरु भाई जैसे हैं और तुम जाते हो और सम्मान नहीं देते हो क्या, डांटते थे, डपटते थे। और फिर मैं हमेशा जब भी इस रास्ते चलता था, क्योंकि मुझे इस बात का रहता था कि जब मैं जाऊंगा जिस गंतव्य में पहुंच रहा हूं, अगर वहां से मैं सूचना दूंगा तो मुझसे पूछेंगे तुम अयोध्या होते हुए गए थे, परमहंस की तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं इसलिए पहले हालचाल लेता था और वह भी अपने दरवाजे में बैठ करके खक्कड़ साधु की तरह बैठ करके किस मस्ती के साथ लोगों के साथ अपनी बातचीत करते थे। उस मस्ती में कोई व्यक्ति ये एहसास नहीं कर पाता था कि संत इतना दिव्य है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारिक है, इतना नेतृत्व की क्षमता रखने वाला है। एक सहज सरलता उनके मन में थी, वात्सल्य भाव उनके मन में था और ये हमें अक्सर वहां देखने को मिलता था। आज जब हम लोग यहां पर पूज्य संत की 21वीं पुण्यतिथि पर हम एकत्र हुए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मूल्यों के लिए जिया था, एक लक्ष्य के लिए जिया था, सनातन धर्म की परंपरा को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया था। उनके लिए अन्य चीजें कभी उनको डिगा नहीं सकती थी, झुका नहीं सकती थी, उन्हें अपने पद से कभी भी डिगा नहीं सकती थी, हटा नहीं सकती थी। उन मूल्यों और आदर्शों के लिए जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन मूल्य और आदर्शों के लिए वो जो परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज आजीवन डिगे रहे, उनके लिए उसके डटे रहे, डिगे नहीं, हर स्तर पर वे कार्य करते रहे, मजबूती से उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए कार्य करते रहे पूरा समर्पण भाव के साथ। और जब भी उनसे चर्चा होती थी हम पूछते थे कि महाराज जी अंतिम संकल्प क्या है, वह कहते थे एक ही संकल्प है, अयोध्या में फिर से रामलला का मंदिर बने, रामलला अयोध्या में फिर से विराजमान हो, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण मेरे जीवन का अंतिम संकल्प है। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामलला का वहां विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य रामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था महाराज जी कोई इच्छा, एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य से वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण के नाभीश पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे।
वो जो संतों का संकल्प जब एक दिशा में एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, उसको हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा क्या है इन सबका कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी जम रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर